जी नीलम जी आपका स्वागत है, जय हिंद। मेरे दो तीन सवाल हैं भाई साहब। जी पहला सवाल तो मेरा ये, मुझे मैंने आपके यहाँ से दवाई मंगाई हुई है, मुझे पैरालाइज हुआ है, वो सब सिरका लिया हुआ, बाकी एम का एम केयर एस केयर दवाई ली हुई है, वो चालू है, लेकिन मेरे सिर में ऐसे चक्कर से आते हैं मुझे, ऐसे सो के उठती हूँ ना तो चक्कर आते हैं मुझे। और मेरा 20-25 साल पहले अपना पित्त का थैली भी निकाला हुआ है, वो भी निकाला हुआ, तो मतलब कि मेरे बच्चे भी ऑपरेशन से हुए हैं, तो थैली भी निकाला 20-25 सालों के बाद, 6 साल पहले पीठ पे फोड़ी हुई थी बहुत बड़ी, वो भी 6-7 महीने बाद ठीक हुआ, मतलब पैर पे कोई जख्म हो जाता फोड़ी फिंसी हो तो जल्दी ठीक नहीं होता है। ठीक, और कुछ फायदा है आपको क्या? अभी मतलब 20-21 दिन से मैं 21 तारीख से खा रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, 1 हफ्ता हो गया, सो के उठती हूँ तो चक्कर आते हैं मुझे, सिर घूमता है। मैंने आपके वहाँ पे कॉल भी किया था, तो मैंने हकीम जी से बात करा दो मेरी, उनसे पूछ लेती हूँ ये दवाई का असर हो रहा है कि मतलब ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा देखिए, जो चक्करों के लिए और सर में दर्द के लिए एक एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, और वो बहुत कामयाब है। मैंने जिसको भी बताया और उसने उस पर अमल किया, उसको बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि यहाँ पर हमारी गर्दन के पीछे नस दब जाती है, और वो किसी को सर में दर्द होता है, किसी को मोढ़े में दर्द होता है, किसी को चक्कर आते हैं। तो इसके लिए आप 15 दिन एक एक्सरसाइज करें। एक तो देखिए ये 3 मिनट आपके रोज़ हो जाने चाहिए, चाहे 3 बार में करें, और एक ये ऐसे देखिए, ये ठोड़ी में यहाँ तक ले आता हूँ, ये देखिए, तो ये भी 3 मिनट, एक साथ कोई नहीं कर पाता, थक जाता है, दुख जाती है गर्दन, तो पूरे दिन में 3-3 मिनट ये एक्सरसाइज कीजिए, और अपने बेड पर ऐसे लेट जाइए, ऐसे सीधे, और ये गर्दन का हिस्सा नीचे लटका लीजिए, बाकी आपका शरीर ऐसे रहे, इससे बड़ा आराम मिलता है, और लेटे रहिए जितना आपके को अच्छा लगे, 5 मिनट आदमी आसानी से लेट जाता है बेड पे, और लेकिन ये गर्दन नीचे लटका के ये आप 15 दिन करें, उससे पहले ही आपको ऐसा लगेगा कि आपके चक्कर दर्द जो भी कुछ होता है वो अक्सर गायब ही हो जाता है। मैंने कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जिसको मैंने ये एक्सरसाइज बताई हो और उसको फ़ायदा ना हुआ हो, मैंने अभी तक नहीं देखा। आप भी इस पर अमल करें, इसे मामूली ना समझें, ये दवाओं पर भी भारी है, आप वो दवाएं लेते रहें, और अभी 21 दिन हुए हैं, आप 1-2 महीना देखें, ज़रूर भगवान आपको फ़ायदा दे सकता है।